जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो आज शनिवार है तो शनिदेव के विषय में ही मैं आपको बताऊंगा। जो हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की बाधाएं आती हैं वो शनि की वजह से हैं। शनि के बाद में राहु, क्योंकि शनि के समान ही राहु फल देता है। दुर्भाग्य का कारण भी शनि ही है। खासकर इनके जो दुश्मन राशियां हैं, लग्न हैं, उनको ये ज्यादा पीड़ित करते हैं शनि राहु। अब शनि को मान लो हमको शुभ करना है, उसके द्वारा उत्पन्न जो बाधाएं हैं उनको अगर हम कम करना चाहते हैं, शनि को शुभ करना चाहते हैं, सुख और किस्मत में वृद्धि करना चाहते हैं, तो क्या करें, शनिवार है, शनि देव की यहाँ पूजा की जाती है पूरे भारतवर्ष में। पीपल में जल चढ़ाया जाता है इनकी प्रसन्नता के लिए। तो आज का जो विषय है शनि देव की पूजा पाठ से संबंधित है, कैसे शनि देव को शुभ करें। शनि देव अंधेरे के कारक हैं, रात्रि में ज़्यादा मजबूत होते हैं, सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, कुंभ और मकर इनकी राशियां हैं ही, जिस पर ये दृष्टि डाल देते हैं। अगर इनकी दृष्टि लगन पर पड़ जाए तो व्यक्ति आलसी, थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली भी हो जाता है, काम उसके देरी से बनते हैं। तो शनिदेव जो है वो रात के कारक हैं, अंधेरे के कारक हैं, कैसे उनको शुभ किया जाए। तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग जो है उसके, वो ही जैसे चंद्रमा का बताया था ऐसे ही शनिदेव का भी है, पश्चिम दिशा में मुख कर आपको बैठना है। सुबह जो सेवा है वो सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, उसमें आप सेवा कीजिए पश्चिम दिशा में बैठकर। गंगा जल 1.5 लीटर जल में मिला लीजिए, 1 बूंद 2 बूंद उसको आप चढ़ाइए, और बिलपत्र 5, 11 जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप चढ़ाइए। और क्या करना है आपको, काले तिल, राहु और शनि के कारक काले तिल आपको एक कटोरी में लेने हैं और काले तिल डालने हैं, पानी डालकर वो आपको भगवान शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी मंत्र है शनिदेव का आप पढ़ सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये या ओम सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र जाप करते हुए आपको काले तिल से मिला हुआ जल चढ़ाना है, फिर 1.5 लीटर जल चढ़ाना है। तो पश्चिम दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद में आपको जो मेन समय है शनिदेव की पूजा का, जैसे आज त्रयोदशी तिथि है, शनि प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत का फल शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए शाम के वक्त पे, तो शिव पार्वती सहित शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शाम को या रात्रि को जो है शनिदेव बलि होते चले जाते हैं, और प्रदोष व्रत पे शनि और पार्वती की सेवा जो है वो रात शाम शाय के समय है, 4 बजे के बाद 5:30 के बीच। तो आप इतना करिए, सायंकाल में आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, कम से कम 3 बार 11 बार जो भी आप कर सकते हैं, 12 श्लोक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको लास्ट में शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना है, इतना आप कीजिए। शनिदेव को शुभ करने के लिए प्रतिदिन आप रविवार को छोड़कर प्रतिदिन आप पीपल के वृक्ष में तांबे के लोटे में जल, स्टील या कांच की कटोरी में दूध, शक्कर, काले तिल
मिलाकर आपको चढ़ाना है। सबसे पहले जल, शनिदेव की जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा, उस दिशा में आपको चढ़ाना है मुख करके पीपल के अंदर। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं। या शनिदेव और शनिदेव की पत्नी है उनका नाम बोलते हुए भी आप जल चढ़ा सकते हैं पीपल के अंदर। फिर आपको दूध चढ़ाना है, काले तिल मिला हुआ, शक्कर मिला हुआ, और आपको कम से कम 3 परिक्रमा करनी है उल्टी पीपल के वृक्ष की। फिर आप आसन बिछाइए, आसन बिछा कर पश्चिम दिशा में मुँह रख कर सर भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए 3 माला 5 माला 11 माला आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है। फिर आपके देखिए आपके जीवन में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर कोई आपको रोग है या कोई आपको मानसिक परेशानी, आपको शारीरिक परेशानी आपको तंग कर रही है, दूर हो जाएगी। इससे राहु के भी शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। अवश्य इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिनके भी शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा या योगिनी दशा चल रही है, या शनिदेव जिनके चंद्र राशि स्वामी या जो लग्न हैं उनके अगर शत्रु हैं तो आप उनको ज़रूर ये सेंड कर दीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा मिलने लगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई नया विषय लेकर। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।